बता दें आज भारी गिरावट देखी जा रही है सोने में। निचले स्तर पर आया भारत में सोना, 50,000 के करीब पहुंची भारत में सोने की कीमत देखने को मिल रही है। MCX पर सोना अब 50,000 के नीचे लुढ़क गया है। चांदी में भी हलचल तेज हुई है, चांदी में लगातार हलचल मची हुई है। चांदी के भाव में 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, सोने और चांदी के दाम में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि आज भारतीय सराफा बाजार में सोने व चांदी का क्या दाम हो गया है। इसी के साथ में हम जानेंगे कि भारत के अलग अलग शहरों में आज सोने का क्या दाम चल रहा है। अगर आप भी सोने अथवा चांदी के गहने खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले सोने और चांदी के दाम में होने अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चांदी के दाम में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और इसके बाद में चांदी के दाम की बात करें तो 1 ग्राम का 56.30 रुपए, 8 ग्राम का 450.40 रुपए, 10 ग्राम का 563 रुपए, 100 ग्राम का 5630 रुपए और प्रति किलोग्राम का 56,300 रुपए आज का चांदी का दाम हो चुका है। चांदी के दाम में आज 500 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। वहीं सोना खरीदना भी सस्ता हुआ है। सोने के दाम की बात करें तो 18 कैरेट के अनुसार प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 37,763 रुपये पर पहुंच गया है। 22 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की बात करें तो 1 ग्राम का 4,615 रुपये, 8 ग्राम का 36,920 रुपये, 10 ग्राम का 46,150 रुपये, 100 ग्राम का 4,61,500 रुपए, 22 कैरेट सोने का आज का दाम है। 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की बात करें तो 1 ग्राम का 5,035 रुपए, 8 ग्राम का 40,280 रुपए, 10 ग्राम का 50,350 रुपए, 100 ग्राम का 5,03,500 रुपए, 24 कैरेट सोने का आज का दाम है। सोने के दाम में प्रति 10 ग्राम के अनुसार 540 रुपए की गिरावट आई है।